आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। दमोह में सागर जोन के पुलिस महानिरीक्षक अनुराग सिंह पहुंचे। उन्होंने यहां नए महिला थाना भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही महिला अधिकारियों को ठहरने के लिए एनजीओ भवन का भी लोकार्पण किया। आईजी अनुराग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डीआईजी विवेक राज और एसपी दमोह डीआर टेनीवार की उपस्थिति में लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कोतवाली नए भवन में संचालित होने से पुराने भवन का जीर्णोद्धार कर अब उसमें महिला थाना संचालित होने जा रहा है। महिला थाना पुराने पुलिस कंट्रोल रूम के दो कक्षों में चल रहा था, जिससे कार्रवाई में समस्या भी होती थी। यह भवन कुछ दूरी पर भी था। आपको बता दें, महिला थाना नए भवन में संचालित होने से अधिकारी और फरियादी को राहत मिलेगी। एनुअल वार्षिक अपराध समीक्षा है, इसके लिए हम आए हैं। इसी में एसपी साहब ने दो कार्यक्रम यहाँ पर रखा था। एक जो पुराना कोतवाली था उसको जीर्णोद्धार करके मैं स्टैब्लिश कर दिया है, और एक और जो छोटा सा क्वार्टर था वो महिलाओं को रिजन की व्यवस्था है। तो जो जीर्णोद्धार किया गया है उसका एक जिम्मेदार से शुभारम्भ करने के लिए इसको ऐड किया है इस कार्यक्रम के साथ, उसका अभी हमने शुभारम्भ किया। महिला थाना के में महिला कर्मचारियों को बैठने के लिए तो जगह नहीं है। वर्क प्लेस इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, काम जान करने में वहाँ अच्छा व्यवस्था हो, बैठने की अच्छी सुविधा हो, तो काम करने में भी अच्छा हो। इस दृष्टिकोण से अच्छी बहुत अच्छे काम किया है। सर, कोतवाली थाना को मॉडल थाना बनाने के लिए भी प्रयास यहाँ पर किया गया है, सर इसके लिए हर जिले में एक ऐसे थाना को बनाना चाहिए जो मॉडल थाना के रूप में रहे, और ख़ासतौर पर शहर में रहे जहाँ लोग आते जाते हैं और उसको देखते हैं। मॉडल थाना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं होता है, और जो काम करने वाले लोग हैं उनके व्यवहार, उनके काम करने के तरीके, उन सब चीज़ों से भी वो मॉडल। अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो डेवलपमेंट यहाँ हुआ है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो काम करने वाले। दमोह से उपेंद्र राजा ठाकुर की रिपोर्ट।